इंदौर में पुलिस को एक हाथ ग्रेनेड का खुले मैदान में मिला है और ये बम जो कि वैज्ञानिकों का एक अनुसंधान केंद्र है उसके खुले मैदान में मिला। पूरे मामले में पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए BDDS के पास बम को जांच के लिए रखा, तो वही आर्मी हेडक्वार्टर और BSF से पत्राचार किया जा रहा है। ये कल का घटनाक्रम है। कल रात में जब मैं राउंड पर था इलाके के, उसी दौरान लगभग 8:20 पर रात के समय मुझे स्थानीय निवासी महेश बामनिया के माध्यम से टेलीफोन पर सूचना प्राप्त हुई थी कि ITC टर्फ के पीछे जो खाली मैदान पड़ा हुआ है उस मैदान में एक हैंड ग्रेनेड जैसा पड़ा हुआ है। सूचना प्राप्त होने पर मौके पर पहुंचा मेरे द्वारा, जब उसको देखा गया, चूंकि अंधेरा था काफ़ी इसलिए उसको बारीकी से देखने पर जब हैंड ग्रेनेड ही था जो डैमेज था, जिसका सेफ्टी वॉल्व और शोल्डर टूटे हुए थे, लेबर टूटा हुआ था। तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई और BDS टीम को बुलवाया गया और बम के संबंध में उसकी शिफ्टिंग की कार्रवाई कराई गई है फायरिंग रेंज पर। रात को ही बम को शिफ्ट करा दिया गया था। सर, बम जिंदा था या डिफ्यूज था, किस तरह ये अभी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उसके लेबर और सेफ्टी पिन सब उसके निकले हुए थे, डैमेज हालत में था, तो पूरे विश्वास के आधार पर ये नहीं कहा जा सकता है बिना जाँच के कि डिफ्यूज था या नहीं था। इसमें जैसे वरिष्ठ अधिकारी निर्देश प्राप्त हुए थे, रात में अंधेरा होने के बावजूद भी पूरे उस मैदान की पूरे इलाके की सर्चिंग कराई गई है पूरे स्टाफ के साथ में, कि इस प्रकार का कोई अन्य सामान या उससे संबंधित लेबर सेफ्टी पिन ये वहां पर आसपास ना पड़े हों। लेकिन प्रारंभिक रूप से जब वहां पर छानबीन कराने पर ये सब चीजें वहां पर नहीं पाई गई हैं, इससे ऐसा लगता है कि बम काफी पुराना होना चाहिए। और कैसे वहां पर पहुंचा इस संबंध में उसके आने जाने से जो कनेक्टिंग रास्ते हैं वहां के लगभग 120 के आसपास अभी तक हमने CCTV कैमरों का परीक्षण कर लिया है, उसको अभी हम जाँच कर रहे हैं और जल्दी इस चीज का पता लगा लेंगे। सर, आर्मी या फिर BSF जैसे जो सुरक्षा एजेंसी उनसे भी पत्राचार किया जा रहा है बम को लेकर? हाँ, इस संबंध में भी BDS टीम पता लगाने का प्रयास कर रही है कि ये बम कहाँ से निकल सकता है। इसमें महू आर्मी और आपका CISF इनसे जानकारी ली जा रही है। फिलहाल सुरक्षा की दृष्टि से बम को BDDS की टीम के पास ही है, तो वही आर्मी और BSF के अधिकारियों से भी पत्राचार कर रहे हैं, उसकी जानकारी दी जा रही है। इंदौर से मृदुभाषी प्रदेश के लिए चंकीवाद छपाई की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।